आज तुझे हो क्या गया? मुझसे शादी करेगा? क्या क्या बक रही है? रखी हुई औरत भी कभी किसी की बीवी हो सकती है? मैंने भी कैसा बेहुदा सवाल पूछा है। यहाँ आओ। कोई आया था यहाँ? नहीं। तूने? किसी ने भड़काया तुझे? कहीं तूने मुझे कौन आया था यहाँ? क्या हुआ तुझे? तूने उसे बताया था कि मैं आऊंगा? कहीं तूने मुझे बता, बोल, बोल। बस बबन बस, तूने तूने मुझे बेच दिया। होता है बबन, ऐसा होता है। रोज खुद को बेचती है बेचारी, आज तुझे बेच दिया। क्या बुरा किया? जा चल जा, कोई काम धंधा नहीं है क्या? मैं प्यार, मुंह पर पैसा, कोई नहीं होगा तुम्हारे जैसा। प्यार करती थी उससे? ये कमबख्त, प्यार मार डालता है। अब इस जंग की कोई सीमा नहीं रहेगी। जयसिंह का नामो निशान उखाड़ फेंकूंगा मैं। इस शहर में उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा मैं। Thank you.
सारे शहर में आग लगी हुई है, हर तरफ गोलियां चल रही हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आप चाहें तो लड़ाई जल्द खत्म हो सकती है। कमिश्नर साहब, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आखिर हम क्या हैं? एक पुराने रिटायर्ड मुजरिम जो अब एक शराफत की जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी आप अपराध की दुनिया के बादशाह थे, इस शहर के बड़े डॉन। जयसिंह और अवराय आज भी आपको गुरु मानते हैं, वो आपकी बात को नहीं टालेंगे। कमिश्नर साहब, वो जमाना और था जब एक धमकी से काम चल जाया करता था। आज AK-56 चलती है, लाशें भी जाती हैं। तभी दोनों नए नए गांव से शहर में आए थे, जैसे लाखों आते हैं रोटी की तलाश में। जयसिंह ने भी पेट की भूख को मिटाने के लिए मेरे यहां काम किया। और ओबेरॉय? ओबेरॉय को भूख से ज्यादा दौलत की हवस थी, वो बड़ा आदमी बनना चाहता था, अमीर, बहुत अमीर। ये दुश्मनी हुई कैसे? कमिश्नर साहब, दुश्मनी तभी गहरी होती है जब उसमें दोस्ती का रंग मिला हो। दोस्त है, फिर दुश्मनी की वजह? एक औरत। जयसिंह रमा नाम की एक लड़की से प्यार करता था। जय, हंसे क्यों? बोलो ना कितना। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि वो देख रहे हो, वो बहुत बुरे हो। बताओ ना कितना, बोलो ना। जितना तुम मुझसे प्यार करती हो ना, उसमें 20% मिला दो। क्या? काम धंधा है कि नहीं? मुझे नहीं है। अरे मुझे तो है। जय, क्या तुम वो काम धंधा छोड़ने वाले थे ना? अरे यार, फिर से वही बातें। तुम इनसे कुछ कहने वाले थे? कोई काम धंधा नहीं। जय, ठीक से बोलो, वहां देख। छोड़ूंगा ना, सब कुछ छोड़ दूंगा, एक शर्त। अरे इनसे भी शर्त है? हाँ है, बिल्कुल है। क्या है? ठीक से बोलो। क्या है? मजाक मत करो, ठीक से बोलो। अगर तुम मुझे मिली तो मुझसे शादी की तो? अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो? तो मार दूंगा। किसे? उसे। और मुझे? तो मैं कैसे मार सकता हूँ, तू तो मेरी जान है। और वहां रमा का प्यार जय को इंसान से फरिश्ता बनाने की कोशिश में था। काम धंधा नहीं साले। चल मैन, चल। यार मैं कल अपना आखिरी काम करने जा रहा हूं। ये काम, ये धंधा, सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। तू भी छोड़ दे यार, दोनों मिलकर शादी कर लेते। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ शादी कर ही लूँ। लड़की कौन? मेरी आंखों में देख सकते हो तो देख लो उसे। यार मैं तो प्यार में दीवाना हो गया हूँ, मुझे तेरी आंखों में भी रमा दिखाई देती है। तो क्या ओबेरॉय को भी रमा से प्यार था? वो प्यार नहीं, हवस थी, उसका पागलपन। वो किसी भी तरह से रमा को पाना चाहता था। उसका शैतानी दिमाग रमा को पाने के अलग अलग तरीके सोचने लगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। अगर मैंने अपनी जबान खोल दी तो बात कुछ हो सकता है, उसको फांसी भी हो सकती है। तुम ऐसा नहीं करोगे? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा दोस्त था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त नहीं रहा। अगर तुम चाहती हो कि वो छूट जाए तो तुम उसे भूल जाओ और मुझसे शादी कर लो। क्या करती रमा? तराजू के एक पलड़े में जय की जिंदगी थी और दूसरे में उसकी अपनी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जय के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम उसे मरने नहीं दोगे ना? तुम उसकी जान बचा लोगे ना?
चाहता तो ओबेरॉय को गोली मार सकता था, लेकिन वो रमा को विधवा के रूप में नहीं देख सकता था। ये दुश्मनी कब तक चलती रहेगी? जब तक ये दोनों जिंदा हैं, ये दुश्मनी चलती रहेगी, क्योंकि आज भी जब ओबेरॉय अपनी बीवी रमा की आंखों में देखता होगा तो उसे क्या दिखता होगा हैं? अपने रकीब, अपने दुश्मन जयसिंह का चेहरा। मैं कई बार अपने आप से पूछता हूं कि मैं जयसिंह की मौत ज्यादा चाहता हूं या जिंदगी। मौत सही, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर वो जिए भी तो उसकी जिंदगी मैं मौत से बदतर बना दूं। तो मारो और मारो, उसके इर्द गिर्द के सभी आदमी खत्म हो जाए तो वह अकेला पड़ जाएगा। सभी क्यों, एक ही काफी है। तुम्हारा इशारा कहीं? हाँ, उसका भाई सूरज। लेकिन अगर हमने उसके भाई पर हमला किया तो? तो फिर वो हमारे घर वालों पर भी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उसूलों का मारा है। बेचारा उसूलों का मारा। हाथ उठाओ, उस तस्वीर से हाथ उठाओ। क्या नाम बताया उसके भाई का? सूरज। सूरज, यह है सूरज, जय का भाई। काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए, किसी को पता ना चले कि यह काम किसने करवाया है। सरदार साहब बैठिए। देखो बेटे, दो दिन बाद मेरी पोती की शादी है, बाजा गाजा होगा, रस्में होंगी, आतिशबाजियां होंगी। ऐसे में मैं नहीं चाहता कि कोई बदशगुनी हो। आज से बल्कि इसी वक्त से शादी की रस्में पूरी होने तक कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। मैंने जयसिंह से भी बात की है, उसने अपनी जबान दी है मुझे। सरदार साहब, आप हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए। ओबेरॉय साहब, क्या है? हमने तो सुपारी। रोको उसे। मैंने उसे रोक दिया है। न जाने किसकी किस्मत से बच गया आज। अंदर चलो। धक्का क्यों दे रहे हो? क्यों लग रहे हो मेरे पीछे? अभी पता चल जाएगा। क्या दुश्मनी है मुझसे? हाँ पता चल जाएगा। ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है।
ये चेहरा तो जाना पहचाना लगता है ना, कैसे भी भूल गया तू? कोई काम धंधा नहीं है भैया? अक्कल नहीं है तेरे में? अक्कल नहीं है? दिन रात से गायब है तू, जान अटकी पड़ी यहाँ पर? यानी भैया जान यहाँ? यहाँ यहाँ कहीं भी अटकी पड़ी पड़ी है, अटकी पड़ी रहती है। क्यों अटकी है भैया? बाहर बुरा वक्त चल रहा है मालूम है तेरे को? इंडिया क्रिकेट मैच हार गई। बस बंद कर, तुम लोग मरवाओगे मेरे भाई को। आइंदा ये बाहर गया तो तुम लोग टांग तोड़ दूंगा, समझा? बाहर नहीं जाऊंगा। भाई की बात नहीं मानता है भैया। एक मिनट भैया, अब कहां जा रहा है? कहां जा रहा है तू? बाहर। मैं रघु से कह दूं ना, मैं बाहर नहीं आ सकता। अरे रोक उसको, रोक रघु। अरे चल अंदर चल। अरे कुछ बाहर चल। क्यों तंग करता है मुझे? क्यों तंग करता है? क्योंकि तू जानता है तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे सिवा कोई नहीं है। भैया हाथ दुख रहा है, भैया हाथ दुख रहा है। बड़ा बन गया बड़ा। सुन, एक दिन मैं चला जाऊंगा ना, फिर देखता हूँ तेरा कौन है। आप कहाँ जाएंगे भैया? अच्छा कहाँ जाऊंगा, वहां भी आ जाएंगे टेंशन देने? भैया ऐसे मत कहो। अब बदमाश, सुन आज के बाद जैसा मैं कहूंगा वही तुझे करना पड़ेगा, समझा ना? ठीक है भैया। चल अभी तैयार हो जा, सरदार भाई के पोते की शादी पे जाना है। मैं शादी में नहीं जाऊंगा भैया। अभी अरे भैया अभी तो मेरे अभी तो सुना भाई, अभी तो तूने बोला था। मैं शादी में क्या करूंगा भैया, क्या करूंगा मैं? अरे तो मुझे कोई काम धंधा नहीं, मैं शादी में क्या करूंगा? जाना पड़ता है, रीति रिवाज होती है बेटे। और हो सकता है तुझे वहां कोई लड़की मिल जाए। हो सकता है आपको कोई लड़की मिल जाए। सपना, ओह गॉड, ये सब क्या कर रखा है? इतने सारे कपड़े बिखेर रखे हैं यहाँ। अच्छा बाहर आओ, देखे तो कैसी लग रही हो। नहीं भाभी, मैं बहुत खराब दिख रही हूँ। तो उसमें कौन सी नई बात है? भाभी मेरी नाक इतनी अजीब क्यों है? तुम्हारी नाक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंखें जरा। क्या? मेरी आंखें अच्छी नहीं? ठीक है, अब उसमें तुम्हारा भी क्या दोष है? मेरे पैर भी सुंदर नहीं है। तुम्हारे चेहरे से ज्यादा अच्छे हैं। सच? इधर आ। ताकि मेरी गुड़िया को नजर न लग जाए। भाभी। रमा। ओह माय गॉड, कितनी खूबसूरत लग रही हो। होगी कोई इतनी खूबसूरत इस दुनिया में भला? आज शादी में भी सब इसी को तो देखेंगे। जान ले लूंगा किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो। मैं अपनी बहन को देखने का हक सिर्फ मुझे है। तू क्या कहती है? ए, तू इनकी बातों में मत आना। तेरी तरफ शादी में देखने वाला कोई नहीं है। इतनी खूबसूरत तो तू नहीं है, है? आइए भाई जी, आइए आइए सर। ऊपर सरदार साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे मेहरा साहब हैं। हेलो। इनका शिपिंग का बहुत बड़ा कारोबार है। मैं ऊपर सरदार साहब से मिलकर आता हूँ। तो रुक यहीं पर, आता हूँ आता हूँ। सरदार साहब आप अगर मैं... जयसिंह आओ। मुबारक हो सरदार साहब। देखो जयसिंह, दुश्मनी तो हमारे जमाने में भी हुआ करती थी। ये बखिया साहब हैं, हम दोनों का चांदी का व्यापार था। फिर उसी चांदी की दीवार हम दोनों के बीच खड़ी हो गई, हमारी दुश्मनी हुई। मैंने भी गुस्से में आकर इनके नाम की सुपारी निकाल दी, इन पर एक गोली चली, ये बच गए। फिर हमारी दोस्ती हो गई और आज हम दोनों
समधी बन गई। कि तुम भी समधी बन जाओ, लेकिन हाथ मिलाकर ये दुश्मनी तो खत्म करो। शादी है, यहां पटाखे तो चलेंगे ही। देख रहे हैं बखिया साहब, इतनी सी बात पर बंदूकें निकल आई। कभी सोचा है गुस्से में आकर दुश्मनी की इस तोप को एक दूसरे के अजीज पर दागने का क्या अंजाम होगा? इतनी नफरत। हाय रब्बा, कितने खूबसूरत है। She is so beautiful. मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है। भैया ठीक कह रहे थे कि शादी में मुझे मेरे पसंद की लड़की मिल जाएगी। मिल गई। अब कैसे पता चलेगा कि वो मुझे पसंद करती है? हाँ, अगर मुड़ के एक दफा देख लिया उसने मुझे, मैं समझूंगा कि हाथ बन गई। मुड़ के देखना, सिर्फ एक बार मुड़ के देख, प्लीज एक बार मुड़ के देख। कहाँ गया? चला तो नहीं गया? अरे रुबा, बात बन गई। मैं चाहूंगा कि आज के इस मुबारक मौके पर इस दुश्मनी का खात्मा हो। क्या आज के दिन तुम दोनों ये तोहफा नहीं दे सकते मुझे? मैं चाहूंगा कि तुम दोनों हाथ मिलाओ। सरदार साहब, दुश्मनी खत्म करने का मतलब ये तो नहीं कि हम फिर से दोस्त बन जाएं। दो अनजान भी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अक्सर हाथ मिलाते हैं। जियो, अब ये दुश्मनी खत्म हुई। जब तक हम जिंदा हैं कोई लड़ाई नहीं होगी। अगर गलत नहीं तो आप वही हैं ना जो सरदार साहब के यहाँ शादी पे आई थी? जी हाँ, पर आप? मैं भी उसी शादी में था, आपने मुझे देखा था। अच्छा, मुझे कुछ याद नहीं। फिर जाने दीजिए। Let me introduce myself to you. मेरा नाम है
उसका नाम तो मैं जानती ही नहीं। खैर छोड़िए, मेरे नाम में क्या रखा है। सच तो ये है कि जब से मैंने आपको देखा है बस आप ही के बारे में सोचता हूँ। सोचता हूँ कि आप जैसी खूबसूरत लड़की का नाम क्या होगा। सपना, सपना, मेरा नाम है सपना। बहुत ही खूबसूरत नाम है। क्या आप भी मेरे बारे में सोचती हैं? ना कहते जी, नहीं तो। हमारे दिल का खून हुआ और आंसू अभी तक गिरे नहीं। हमें आपसे प्यार हो गया है। सच? मैं नहीं मानती। क्या मुझे आपके हाथों को छूने की इजाजत है? दे दे, मुझे क्या पता। बिल्कुल फूल की तरह नाजुक है आपके हाथ। ये क्या करने दिया? आप बड़े वो हैं। क्या मैं आपके और करीब आ सकता हूँ? ना 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 ना, कुछ सवाल सवाल ही रहे तो अच्छा है। जी जी जी, क्या कर रही है? हाँ, रोक उसे। ना ना, रुक जाइए ना, मुझे जाना है। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो आज। तेरे चेहरे का रंग ऐसा क्यों है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। अरे सूरज, कहाँ चला गया? सूरज, सूरज, अरुण ना। कौन है? अरे मैं हूँ यार, तुझे इसी वक्त मेरे साथ चला, चल। सोने दे मुझे। अरे यार, मेरे ऑटो पे एक आदमी बैठा था, उसे ले जाकर मैंने शैतान चौक छोड़ा और उसे 625 रुपए मांगे तो कहने लगा जानता है मेरा नाम क्या है। मैंने कहा क्या है, तो बोला शेर सिंह। मैंने कहा तेरे नाम से मेरे पैसों क्या ताल्लुक, तो उसने 3-4 थप्पड़ मारे यार, साला घर में घुस गया यार वो। 625 रुपए मुझसे ले ले। अरे वाह, मेरी बेइज्जती हुई, मुझे उसका बदला लेना है और 625 रुपए चाहिए, तू चल मेरे साथ। देख मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ, मुझे सोने दे। अरे यार मैं भी पिटने के मूड में नहीं था लेकिन उसने मुझे पीट दिया, अब तू सो रहा है यार, चल यार। मैं सोता हूँ तो मुझे सपना आती है। आती है? अरे सोने सपना आता है, आती नहीं है? आती है। अरे आता है यार। आती है। आता है। आती है। अब आता हो चाहे आती हो, तू चल मेरे साथ और 625 रुपए दिलवा दे बस। आती है। हाँ चल, 625 रुपए दिलवा दे, फिर आता आती करते रहना। सड़क में तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया, चारों तरफ गाड़ी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इधर उधर। जा दिला स्कूटर वाले किधर जाएगा? हाँ मेरे बात, तुम भी खड़े हो जाए मेरे साथ में, आ जाओ। दिमाग खराब। ओए कुरकुर, बकबक क्यों कर रहा है? अब इधर क्या देख रहा, उधर देख। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके चलेंगे, सारी आजादी इन्हें मिली है, इनके बाप की सड़क है। अरे मेरे पास ट्रक हो तो तुम लोग गाड़ी को देख, चौपट कर सारे गाड़ी। अरे उस सफेद गाड़ी का पीछा कर। किसका पीछा? उस गाड़ी में सपना है, लड़की है ये तो। चल चल तू पीछे, पीछे पीछे। अरे देख सुन, अरे शेर सिंह का पीछा करना, तेरी लड़की के पीछे क्यों जा रहा है? अरे सुन, अरे दिमाग खराब हो गया। पापा चल, 625 रुपए नहीं चाहिए। ये कमबख्त यही देखेगी है?
अरे 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 ये 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 टांगे चला रहा है, अरे मेरी गर्दन बाहर, हट जाओ। मैं सीधा सामने से टकरा रहा हूँ, ये भाई सूरज, अरे सीधा कर ले। लड़की का भूत नहीं उतरा? अरे मैंने अमना के गहने गिरवी रख के रिक्शा खरीदी थी, उसकी तूने ऐसी की तैसी कर दी और तेरे सर पे लड़की का भूत? अब चल सवा चार रुपए दिलवा। अरे बदला क्या हुआ? अरे हुआ क्या, जान बच गई, सवा चार रुपए दिला। हाँ हाँ चल चल चल, रोको 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 रोको, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, वो सामने वाली गली में रहता है शेर सिंह। ठीक है जा बुला ले उसे। क्या कह रहा है यार, मैं कैसे बुलाऊं? अरे डरता क्यों है, मैं हूं ना यार, अगर वो तुझे छुएगा भी ना बस सीटी मार देना, मैं आ जाऊंगा यार, जल्दी आ जाना। हाँ जल्दी आ जाऊंगा। क्या यार, इसलिए थोड़ी बुला के लाया था मैं। शेर सिंह अबे बाहर निकल, शेर सिंह अबे निकल अपने बिल से बाहर। अरे अंदर क्या कर रहा है, घास खा रहा है, बाहर निकल, तेरी मां खड़ी तेरा इंतजार कर रही है, बाहर आ। अबे डर गया क्या? अबे आज तो गीदड़ की मौत मरेगा, वैसे भी जब मुझसे कोई टकराता है तो मैं उसे गीदड़ की मौत मारता हूँ, बाहर आ। अबे बाहर आता है कि मैं अंदर आऊं? मेरा ख्याल है आप ही अंदर चले जाइए। अरे मैं उसे उसके बीवी बच्चों के सामने नहीं मारना चाहता, नहीं तो मैं यूं रगड़ के ऐसा कर दूं। उसके बीवी बच्चे नहीं है। आप जानते हैं? अब पहचाना साले टिड्डे। शेर शेर सिंह। हाँ तो मैं गीदड़ हूँ, बिल में रहने वाला चूहा, घास खाता हूँ। अबे एक बार मार खाकर भी नहीं सुधरा, डेढ़ फुट। अबे मार खा के भी सिटी बजाता है, लेकिन आवाज कहाँ निकल रही है? आवाज तो तेरी, अब मैं निकालूंगा टिटे। मेरी धुनाई कर लीजिए, लेकिन एक बार सिटी बजा दीजिए। सिटी के बच्चे आजकल सिटी बजाने का फैशन है, एक बार सीटी बजाइए फिर मारिए। सीटी बजाओ, बजाओ, बजाइए, ले जरा जोर से बजाते रहिए। मैं सारे क्या यार, कहाँ चला गया तू, देख क्या हालत कर दी मेरी। अच्छा चल देखते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तू जा, इसने मर जा। मौसम कितना अच्छा है। क्या मौसम, मौसम की बात कर रही है, लगा दो। अरे चुप हो जा तू, आज प्यार की बातें करते हैं, झगड़ने में क्या है। देख तू उसको 6 रुपए 25 पैसे दे दे। ये ले। अरे क्यों अपनी इज्जत और मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाह रहा है तू? अरे मार खाने में बहुत मजा आ रहा है। अरे क्या कर रहा है यार, उठ, क्यों मिट्टी पलीद करवा रहा है? चुप, एक बार मार खा लेने दे। प्लीज एक अरे, बार। पागल हो गया है क्या? हाँ। शेर सिंह जी, इस पर जरा जोर से, प्लीज बहुत जोर से मारना।
अच्छा लगता है। अरे ऐसे मार क्यों खा रहे हो तुम? तुम्हारे लिए। नहीं नहीं तुम भी उसे मारो। अरे मारो। हाँ मारो। बहुत मारो। बहुत मारो। सच? हाँ बाबा सच। पागल हो गया यार क्या तू? मुच्छर कहाँ है? वो देख। अरे अरे अब कहाँ जा रहा तू? ये मार। ये देख ले अरे। और मार खाएगा? माफ करना मुच्छर भाई, कहीं ज्यादा लगी तो नहीं? क्या करता, उसने कहा था। जा अपने 6 रुपए 25 पैसे ले ले। शेर सिंह भैया, मैं आपकी जेब से पैसे निकाल लूं? ये लो, छुट्टी तो आपकी हो गई। ये आपके छुट्टे। सो गए क्या? लड़का, तुमने रोका क्यों नहीं? जान से क्यों नहीं मार दिया? सपना शायद उसे जानती थी। नहीं, नहीं। कौन था वो? जयसिंह का भाई सूरज। नामुमकिन। क्या तू उसे प्यार करता है? हाँ, और अब उसे मिलने जाऊंगा। लेकिन वो तो दुश्मनों का घर है, वहां जाने में खतरा है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं सिर्फ उसे एक बार देखना चाहता हूँ, उसे मिलना चाहता हूँ, और आज ही। सपना? हाँ। मैं हूं मैं सूरज। हाँ। तुम यहाँ चले जाओ यहां से। तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? तुम्हें कैसे? नहीं 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 तो मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। एक बार इधर देखो ना। नहीं नहीं एक बार देखो ना, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। मैं शोर मचा दूंगा। मैं शोर मचा दूंगा। ऐसा नहीं करना। अच्छा मैं जाता हूँ। जाऊँ? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? हाँ। मैंने रघु से कहा था, अपना रघु। तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊँ? हाँ बाबा अब जाओ ना। ठीक है, तो एक बार वो अपनी जुबान से कह दो जो मेरे दिल में है। सपना देखो कोई आ रहा है, अब जाओ। एक बार प्लीज सपना जाओ ना। एक बार कह दो सपना। एक बार कह दो जाओ ना बाबा। एक बार कह दो सपना। आई लव यू। क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? तुम ये खिड़की के बाहर क्या देख रही थी? हाँ? तुम ठीक हो ना? हाँ, वो शायद कोई बुरा सपना देख लिया होगा।
सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू भाभी। गुड नाइट। अपना क्या कहा था तुमने? मैंने ठीक तरह से सुना नहीं। क्या हो रहा है? क्या हो गया इसको? प्यार हो गया उस लड़की से? पता नहीं किस पाइप पे चढ़कर जा। चुप हो जा तू। पागल हो गया ये पागल। क्या? पागल हो गया। क्या हो रहा है सब? भाई सूरज को प्यार हो गया है। प्यार हो गया? अरे पता नहीं कोई उसे प्यार करती, पता नहीं कौन। क्या? बोल मारा हमको। अरे प्यार करती है कोई? अरे कोई काम धंधा है कि नहीं? सूरज, ए सूरज, अबे कहाँ जा रहा है? ये मुझसे मत पूछो भैया। अरे मत पाड़ प्यार में, रोएगा, बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा। डूब चुका हूँ भैया, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे प्यार पागलपन है, पागलपन। प्यार क्या है क्या नहीं, जिसने किया नहीं उसने जाना नहीं। अरे जा जा, मुझे प्यार का सबक मत सिखा। प्यार तो एक नशा है जानम। प्यार सजा है जाने मन। एक बार बस हमसे प्यार करके तो देख ले। हम वो हैं जो एक बार नहीं बार बार प्यार किया करते हैं। एक बार मेरे ठिकाने पे आ जा, तुझे प्यार करना सिखा दूंगी। तू एक बार मेरे ठिकाने आ जा, मैं तुझे प्यार करके दिखा दूंगा। एक रात का प्यार होता है, एक रात की मोहब्बत होती है। वादे वफा ये सब झूठी बातें, गली गली में मोहब्बत बिकती है। ओबरा ने सरदार साहब का खून कर दिया। अब कोई रोकने वाला नहीं है, अब दुश्मनी खुल के होगी। कल होली है ना, हर वो शख्स जो हमारे साथ होली खेलने आएगा, हजारा याद रखना वो हमारे साथ है। और जो हमारे साथ होली खेलने नहीं आएगा वो जय सिंह के साथ है। कल रंगों की होली खेलेंगे और उसके बाद खून की होली।
होली मुबारक हो, होली मुबारक हो। यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी कहो। आज मैं तुम्हें नहीं देखता ना तो मर जाता। तो जाओ, मर जाओ। देखो मुझे। उस साले से तो मैं अभी गले मिलकर आया हूँ। साला कहा तुमने भैया को? अब तो वो साला हो गया ना। सपना, भाभी, होली है। अरे जिस दुश्मन से तुझे दूर रखने की कोशिश कर रहा था वही जाकर तूने अपना सर डाल दिया। मैं सपना से प्यार करता हूँ भैया। सरकार देते वो तेरा पकड़ा गया होता तो सरकार देते मैं अनाथ हो जाता। सपना बहुत अच्छी है भैया। सब तू काम धंधा नहीं है तेरे को। दुश्मन की लड़की है वो, दुश्मन की। दुश्मनी क्यों भैया? ये जानने की तुझे कोई जरूरत नहीं। ये भूल जा कि तू कभी उससे मिला भी था। नहीं भूल सकता। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा उसे। ये मेरा ऑर्डर है, बोलना पड़ेगा। तुम उसे जानती हो? क्या तो नहीं? बस सिर्फ इतना कहता हूं, नहीं है ना ये तो वो जबरदस्ती लगा गया है ना। नहीं तुम्हारा उसके साथ कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता। तुम तो उसे नफरत करती हो ना। हाँ, ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। तुम उसे नफरत करती हो? हाँ, तुम उसे नफरत करती हो ना? हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम उसे नफरत करती हो? मैं उसे प्यार करती हूँ। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते भैया, कुछ नहीं कर सकते। भैया प्यार है तो जहान है। हम गांव चले जाएंगे, छोड़ देंगे ये शहर, छोड़ देंगे ये दुश्मनी। अरे मैं नहीं छोड़ना चाहता। क्या मैं नहीं छोड़ना चाहता? मैं नहीं जाना चाहता गांव। मैं नहीं जीना चाहता हूं सुखी जिंदगी। मैं एक बार जो इस लाइन में घुस गया सो घुस गया। ये दुश्मनी अगर मैं छोड़ना भी चाहूं तो मुझे नहीं छोड़ेगी ये। भैया सच तो ये है कि आप ये दुश्मनी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपके सीने में दिल नहीं,
दिल होता तो प्यार को समझते। आप क्या समझेंगे प्यार को, आपने तो कभी प्यार किया ही नहीं। क्या क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देख, ये जंग फिर से शुरू हो गई जयसिंह, और इसकी शुरुआत तुम्हारे भाई की मौत से होगी, और अगर तुम लोग उसे नहीं मार सकते तो मैं मारूंगा उसे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने सूरज का बंदोबस्त कर दिया। तो हम मार देंगे उसे, यहाँ का तो यही दस्तूर है। गुड़िया, लेकिन क्यों, क्या किया है उसने? नहीं मरने दे सकती उसे। भगवान भगवान, मेरी जान ले लो, लेकिन सूरज की जान नहीं, उसे मत मारो। भाभी भाभी, मैं चर्च जाऊंगी, मैं मंदिर जाऊंगी, उसकी जिंदगी के लिए दुआ मांगूंगी। भाभी, उसे मरने नहीं दूंगी। भाभी, आप बस एक बार मुझे बाहर जाने की इजाजत दे दो। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। मैं आपके पांव पड़ती हूँ भाभी। नहीं गुड़िया, सूरज को बचा लो भाभी, मेरी जान ले लो भगवान, लेकिन सूरज को बचा लो। सूरज को बचा लो। ठीक है ठीक है। वो देखो, उसका दोस्त है, रिक्शा चलाता, हमेशा उसके साथ रहता है। अरे, तुम लोग चाहते क्या हो? तेरा वो दोस्त कहाँ है? कौन दोस्त? वही जो हमेशा तेरे साथ रहता है, बता कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। क्या मांगा? तुम्हारी जान, और तुमने? तुम्हारा प्यार। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें लेने। नहीं, चले जाओ यहाँ से, वो तुम्हें मार डालेंगे। मुझे कोई नहीं मार सकता। नहीं, तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो मार देंगे तुम्हें। मुझे नहीं पता। मेरी आंखों में देखो, प्यार है, सच्चाई है। हमसे कोई नहीं जीत सकता, हार जाएंगे सब। मुझे नहीं पता। जब याद आ जाए तो उसे कहना हमें आकर मिले, उभराए गैराज में, समझे? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है। ये दुश्मनी खत्म कर दूंगा। तुम्हें कैसे पता कि वो आएगा? अब तो आएगा।
सुरजगो, मैं उसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, लगता है कि मर जाऊंगा। नहीं यार, तुझे मेरी उम्र लग जाए। रघु, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि रो दूंगा। नहीं यार, तू रो, तू रोएगा तो मैं मर जाऊंगा। रघु, रघु, ओ ओ ब्रैकेट मत जा, रघु ब्रैकेट मत जा। किसे किया ये? हाँ, रघु, ओ ब्रैकेट मत जा। सब ठीक हो जाएगा। सूरज सब ठीक कर देगा। रघु, इसे मारा था तुझे? हाँ, इसे मारा था? क्यों मारा मेरे दोस्त को? हाँ, क्यों मारा मेरे दोस्त को? मेरे दोस्त को मारा? हाँ, मेरे दोस्त को मारा तुमने? सूरज, इस हाथ से मारा था मेरे दोस्त को? इस हाथ से? कोई नहीं मारेगा रघु तुझे, कोई नहीं मारेगा। रघु, ले मार इसे, मार इसको, मार इसे रघु, मार इसको, मार साले को, मार साले को, रघु, 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 ए, उठ रघु, रघु, मेरा साथ मत छोड़ रघु, 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 रघु रघु, रघु, तू ठीक कह रहा रघु कि मेरा प्यार तुझे मार देगा। मेरे प्यार ने तुझे मार दिया, मेरे प्यार ने मार दिया तुझे रघु। अचारा, उसकी आंखों में सच्चाई है, उसकी आंखों में प्यार है। मिटा देगा। बस हो गया, बाहर नहीं जाएगा तू जब तक मैं नहीं बोलूंगा। सुन रहा है ना तू? मुझे पुलिस की फिक्र नहीं, उन्हें संभाल लूंगा मैं। मुझे तेरी फिक्र है क्योंकि पागल है तू,
बच्चा दिमाग है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी करता है। बाहर वो लोग रास्ता देख रहे हैं, देखते गोली मार देंगे तुझे। क्या सोच रहा है? हाँ, क्या सोच रहा है? लड़की के बारे में मरना है तेरे को? समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूं तुझे? हाँ, मैं हूं तेरा बड़ा भाई, खोपड़े में घुसा दे ये बात। हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, यहां से बाहर मत जाना। बाहर नहीं जाना चाहिए मेरा भाई, 24 घंटा पहरा लगा के रखो, समझ गया ना तुम लोग? हाँ, आज ये राखी बंधवाने, आखिरी बार तेरा भाई अपने कमरे से चलकर तेरे कमरे तक आया है। अगले साल मैं अपने कमरे में बैठा तेरी राह देखूंगा, कब मेरी बहन आए और मुझे राखी बांधे। पराए घर की हो गई हुई ना, तो मैंने तेरी शादी मेहरा साहब के बेटे के साथ तय कर दी है। कितना सोना लगेगा ये कमरा? तेरे प्यार में मैंने कभी सोचा ही नहीं कि बहन पराई अमानत होती है। सूरज, सूरज, सपना, अरे ते सूरज, बस हम कुछ करो ना, मैं नहीं रह सकती उसके बिना भाभी, मैं मर जाऊंगी भाभी, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं शादी नहीं कर सकती। चुप। सूरज! नहीं सपना, सपना नहीं, सपना रुक जाओ, सपना मैं आ रहा हूँ, सपना सपना रुक जाओ, सपना रो, सपना मैं आ रहा हूँ, सपना सपना मैं आ रहा हूँ। लगता है कुछ फड़फड़ा रहा है, लेकिन भागेगा कैसे? तुमसे नफरत करती हूँ। प्यार करती है मुझसे? नहीं, प्यार करती है मुझसे? नहीं। खून करते वक्त मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? ख्याल नहीं आता तो एक नहीं सैकड़ों जाने ले लेता। तो जाओ चाकी मारो और लोगों को खून कर डालो। खून करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? उन लोगों ने मेरे रघु को मार दिया, मेरे लघु को मार दिया, मैं क्या करता? दीवारों से टकराता, जश्न मनाता, क्या करता मैं? रघु मेरी आंखों के सामने मर गया, मेरी आंखों के सामने मर गया। हमेशा कहता था दोस्त तेरा प्यार एक दिन मुझे मार देगा, और वही हुआ। क्या करूं मैं हाथों का? इन्हीं हाथों में मेरा दोस्त मरा था,
और इन्हीं हाथों से मैंने उस आदमी को मार दिया। लेकिन अब ये हाथ तुम्हें छूना चाहते हैं, तुम्हें प्यार करना चाहते हैं। सूरज, ऐसा क्यों हुआ? नफरत से भरे हुए ये लोग प्यार को इस दुनिया से खत्म कर देना चाहते हैं। ये दुनिया अब जीने लायक नहीं है सपना। मैं तुम्हें यहां से दूर, बहुत दूर ले जाने आया हूं, जहां मिट्टी और पानी, धरती और आसमान, हमारा प्यार और हम सब मिलकर एक हो जाएं। कैसी कोई जगह है इस धरती पर? अगर हमारा प्यार है तो ऐसी जगह भी है। क्या उसी को जन्नत कहते हैं? प्यारी को जन्नत कहते हैं। तो ले चलो मुझे वहां, मुझे ले चलो वहां सूरज। सपना, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं सपना को लेने आया हूँ। पागल हो गए हो? सपना इधर आ, इधर आ। नहीं भाभी, मुझे अपने पास मत बुलाओ, अब मैं वापस नहीं आ सकती। मैं सूरज की हो चुकी हूं भाभी, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम्हारे तुम्हारे भैया तुम्हें मार डालेंगे, वो तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मौत तो दोनों तरफ है भाभी, हमें साथ जीने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे जियोगे, कहां जाओगे? सिर्फ प्यार पे तो जिंदा नहीं रहा जा सकता ना। और तुम लोग क्या समझते हो, ये लोग तुम्हें चैन से जीने देंगे? क्या आप कभी प्यार के बिना चैन से जी पाएं? क्या सपना की जिंदगी आपकी जिंदगी से अलग हो गई? तो जाओ, चले जाओ, इससे पहले कि लाशें बिछ जाए और उनकी नफरत कहर ढाने लगे, जाओ, चांद सितारों की तरह कहीं दूर चले जाओ, जहां नफरत के मारे इंसान तुम तक नहीं पहुंच पाए। भाभी, गुड़िया, सूरज मुझसे वादा करो। मैं वादा करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ कहो कि तुम इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखोगे। मैं इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा। दुश्मनी निभानी थी तो मुझसे निभाई होती, मेरी बहन से क्यों? मेरी बहन से क्यों? इस दुश्मनी के घाट पर आप अपनी बहन की बलि चढ़ा देते तो? जो जिंदगी आप उसे देने जा रहे थे वो क्या? क्या क्या मेरी जिंदगी से कैसे तुम बेहतर? मैंने मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है। झूठ है, झूठ। आप क्या जानते हैं मोहब्बत क्या होती है? मैं जिसने तुम्हारी मोहब्बत में अपने जिगरी दोस्त को धोखा दिया, तुम्हें पाने के लिए उसकी पीठ में छुरा भोंका, ये दुश्मनी की? मैं मोहब्बत के मायने समझने के काबिल नहीं। मोहब्बत की कसम, मैं मोहब्बत का नाम मिटा दूंगा इस दुनिया से। ऐसा अंजाम दूंगा इस कहानी को कि सुनने वाले की रूह कांप उठेगी। जाने क्यों दिया आप? ओबराय जरूर जाएगा उसकी तलाश में, और इससे पहले कि ओबराय सूरज और सपना को ढूंढ ले, हमें उनको बचाना पड़ेगा। चल जल्दी कर, जल्दी। सपना, इससे पहले कि वो हमें अलग कर दें, क्यों ना हम एक हो जाएं? कैसे? इस जहर को पी के, मौत को गले लगा के, वही करो जो मैं कहता हूँ। इससे हमारे प्यार की जीत होगी और उनकी हार, जो हमारे प्यार को हमेशा के लिए अमर कर देगा। जब से तुम्हें देखा मेरी एक ही ख्वाहिश थी, जीऊंगा तुम्हारे साथ, मरूंगा तुम्हारे साथ। आज मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। सूरज,
हमेशा के लिए। I love you, सूरज। Love you। मुझे कुछ नहीं हो रहा है सूरज, मुझे मैं मर नहीं रही हूँ सूरज। सूरज तुमने ज्यादा पी लिया सूरज, सूरज मेरे लिए काम क्यों छोड़ा सूरज, सूरज उठो सूरज, सूरज सूरज मैं मर नहीं रही हूँ सूरज, उठो मैं मर नहीं रही हूँ। तुम भी जिंदा हो? अरे ग्लाइकोडिन से कोई मरता है क्या? ग्लाइकोडिन? I hate you. I love you. You? और सपना? I hate you! रुको सपना! I love you सपना! जा अपने भाई की लाश पर आंसू बहाने के लिए। बहुत प्यार है ना तुझे अपनी बहन से, तकलीफ हो रही होगी तुझे आज कि मेरे भाई ने तेरी बहन को उठाकर ले गया, कोई बुरा नहीं किया। याद है तूने भी अपने दोस्त के प्यार को उठाकर ले गया था धोखे से। मेरा भाई तो अपने प्यार को उठाकर ले गया प्यार से, कोई गलत नहीं किया। कोई काम धंधा नहीं है क्या? ट्रक से नीचे रख, लाशें बच जाएगी अगर एक भी गोली चली तो। जा जाकर अपनी बहन को ढूंढ। तू भी याद रख, अगर कहीं तेरा भाई मुझे मिल गया तो उसकी लाश को मैं तेरे घर भिजवा दूंगा। यह ओबेरॉय का वादा है तुझसे। निकला सूरज हुआ सवेरा, निकला सूरज हुआ सवेरा, निकला सूरज हुआ सवेरा, निकला सूरज हुआ सवेरा। बहुत दूर गांव के लगते हो। इस गांव का नाम क्या है? भाई इस गांव का नाम तो चंदनपुर है, आपके गांव का नाम क्या है? चंदनपुर? ये तो हमारे गांव का नाम है भैया। और मेरा सच? तो फिर तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर ढूंढेगा। चल चलो।
सिर्फ एक गली है ना? शहर से आया कोई मुसाफिर है अम्मा, कुछ चाहिए भैया जी? पानी वानी थक गए हो? कौन है? कोई अनजान मुसाफिर है अम्मा। कौन हो भाई? कौन है? कोई अनजान परदेसी है। आपने पहचाना नहीं मुझे? नहीं, मैं कौन हो तुम भाई? सूरज, जय का छोटा भाई। सूरज? हाँ भाई जी। किस सूरज? अम्मा, मामा जी के बेटे सूरज। कितना छोटा सा देखा था तुझे, कहाँ चले गए थे तुम दोनों इतने साल? कभी अपनी बुआ की याद नहीं आई? मुझे लगा था कि भाई जी की आखिरी निशानियां मैं खो चुकी हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ये देख, ये तेरे भाई है, ये दीनू, रामू, मंगल। अरे कमो निमो, देखो देखो, आओ, कौन आया है? ये हमारा सूरज। नमस्ते। नारी, नमस्ते। तो बड़ा सुंदर है। ए, नजर नहीं लगाना मेरे भैया को। नमस्ते। अम्मा, सूरज भैया के साथ कोई आया है शहर से? कौन है? आओ देखो देखो। मुझे देखने दो। पन्नू है क्या? इससे तो शादी कर ली है। नहीं बुआ, नहीं। अम्मा, नहीं। छोटा शर्मा रहे हो है? अब शर्मा रहा है, उस वक्त शर्माया नहीं जब बिना पूछे शादी कर ली। शादी की इतनी जल्दी थी कि बुआ पूछा भी नहीं। अंदर जाओ, सूरज से बात करते हैं। अब तो सेहत बना ली है, पहले तो यूं लगता था। चलो चलो। अरे सूरज भैया, इस साल की गाड़ी नहीं है, हल है हल। ए, ए, संभल के संभल के। ओ, रुक। ए, चाचा वो देखो। चाचा ये लो। अरे ठीक से पकड़, हाँ संभल के। उधर उधर उधर। चल जल्दी चल, भूख लगी है। चल तो रही हूँ। देख कैसा हक्का बक्का रह गया अपने भाई को देख के। सही रहा गया ना, इससे आ गया ना तेरे पीछे पीछे। इसकी बहुत याद आती थी ना? बहुत याद आ रही थी बुआ इसकी। अरे बहू क्या टुकर टुकर देख रही है, अपने जेठ जी के पैर नहीं छुएगी क्या? अम्मा शहर में रिवाज नहीं पैर छूने का। अरे कैसा शहर, आ जा तू, आ जा पैर छू ले बेटी। हाँ शर्माना नहीं, आ जा। ठीक है ठीक है। जा बहू, जय के लिए जलेबियां तल दे। अभी तो आगे आगे पता पड़ेगा ये दोनों क्या क्या सीख गए यहाँ आकर। सूरज नाल चलाना भी सीख लिया। क्यों रे, वहां क्यों खड़ा है? इतने दिन बाद मिला है, गले नहीं मिलेगा? हाँ इधर।
इधर इधर कांदना नहीं है क्या इधर? जरा एक मिनट बाहर आ, कुछ बात करनी। हाँ बुआ, जरा चौपाल में हवा पानी खा कर आते हैं। अच्छा ना, जल्दी आ जाना। हाँ, खाना इकट्ठा खाएंगे। हाँ बुआ, इतना प्यार है इन दोनों में। भैया कहाँ जा रहे हैं? हाँ शहर, उस लड़की को बिहारी और माधव से सलामत पहुंचा देंगे, तो फिक्र मत कर। भैया याद है हम लोग बचपन में यहीं खेला करते थे? तो एक बार बाबूजी हमारे लिए दो नकली पिस्तौलें लाए थे। याद है? तो मेरे वाली टूट गई थी, मैं रो पड़ा और मैंने अपनी तोड़ दी थी। तो अब भी तोड़ दीजिए ना। क्या क्या अब आप मेरे लिए अपनी असली पिस्तौल नहीं तोड़ सकते? वो बचपन की बात थी, अब की बात नहीं। तब सभी खेला करते थे नकली पिस्तौल के साथ, अब असली पिस्तौल नहीं चलती है, असली गोलियां चलती है। चल मेरे साथ। मुझे नहीं खेलना ये खेल। मैं यही रहूंगा इसी गांव में सपना के साथ। हाँ सपना के साथ? वो मेरी दुश्मन की बहन के साथ? आपकी आपकी दुश्मनी होगी, मेरा आपके दुश्मनों के साथ कोई वास्ता नहीं। दुश्मन से वास्ता है, मुझसे वास्ता नहीं। उससे रिश्ता जोड़ने के लिए तू मुझसे रिश्ता तोड़ देगा। चल मेरे साथ। आप मेरे लिए अपनी दुश्मनी छोड़ देंगे? क्या पागल किसी बातें कर रहे? चल मेरे साथ। भैया छोड़ो, मैं भी कोई बच्चा नहीं हूं, मैं यही रहूंगा सपना के साथ। मुझे नहीं जाना वहां वापस शहर में। वापस कैसे नहीं आएगा? चल मेरे। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बोला ना नहीं जाऊंगा। चल मेरे साथ। नहीं जाऊंगा। चलो क्या दे रहे हो तुम लोग, काम नजर नहीं करो। चलो चलो खड़े खड़े मुंह देखते हो। तू चलता है कि नहीं मेरे साथ? तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तू? हाँ देख मेरा हाथ उड़ जाएगा। नहीं जाऊंगा मैं। बैठ जा, चल मेरे साथ। नहीं जाऊंगा। चल चल बोला ना नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा भैया, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इतना बड़ा हो गया तू, नहीं जाऊंगा। चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा। जाए, जाए। क्या कर रहा है तू? वो इसे समझाना। वो ये तू बड़ा है, ये छोटा है, इतना नहीं समझता? सामग्री सारे गांव के सामने तमाशा मचा रखा है। बाप का नाम डुबोने आया है क्या यहाँ? समझ में नहीं आता तुम दोनों के। चलो घर चलो, चलो यहाँ से, चल आगे चल सूरज, और तू भी चल चल। अब जाओ तुम लोग भी यहाँ से। सपना यहाँ भी नहीं मिली। ठीक है चलो। ये सब सच है बुआ, पर हम दोनों आपसे कहने वाले थे कि हमारी शादी करा दीजिए। मैं और किसके पास जाता, ना माँ है ना बाबूजी, मेरे तो बस एक आप हैं। और हाँ बोल दुश्मन, बोल ना। जय, जिंदगी में मैंने दुश्मन तो नहीं देखे, लेकिन दुश्मन ऐसे तो नहीं होते होंगे। देख देख जरा, ये तुझे दुश्मन लगती है? अरे कैसा मर्द है रे तू, इसके भाई की दुश्मनी का बदला तू इस बिचारे पे निकाल रहा है। बुआ तुम लोग गांव में रहते हो, शहर की क्या मालूम तुम लोगों को? ये गांव और शहर की बात नहीं है, रिश्तों की बात है, वो तुमसे हम ज्यादा जानते हैं। रे रे कैसे समझाऊं, वो कैसे समझाऊं मैं? तू आ मेरे साथ। तो चल ना, तेरे से बात करनी मुझे। चल क्या तो नहीं बैठ बैठ बोला बैठ। चल 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 चलो। क्या चाहते हो तुम दोनों? क्या चाहते हो? यहां पर लाश बिछ जाए, खून की नदियां बहे, वो मेरा भाई जो कभी जिंदगी भर आंखें उठाकर नहीं देखा, वो बागी बन गया, वो मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात करता है, तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा, समझी ना तुम? क्यों? ज्यादा बहस मत करो, जो मैं कह रहा हूं सुनो बराबर। मैं सूरज से बहुत प्यार करती हूं। क्या करी है? मैं सूरज से बहुत प्यार करती हूँ। ये प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता ये प्यार व्यार। जाओ अपना सामान बंद। और आपने कभी प्यार किया है? तुम गलों की पूछने वाली कोई है नहीं है तुम्हें ऐसे सवाल करने की। पूछ रही है कि मैंने प्यार किया? अरे क्या जानती हो तुम क्या जानती हो प्यार के बारे में? कि प्यार से ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में और कुछ नहीं है। उम्र देखी है अपनी, दूध के दांत दे रहे अब तक,
प्यार की बातें करती हो, बड़ी बड़ी बातें करती है तू प्यार के बारे में। अरे क्या जानती हो तुम प्यार में क्या क्या होता मालूम है? दुख जो दिल दुखता है सांस जो अंदर ही अंदर। अरे अरे क्या जानती हो तुम, क्या जानते हो तुम, क्या जानते हो तुम दोनों? यानी आपने प्यार किया है? मैं कान आप भारे भारिया कान आउट वो सवाल से बहुत हो गया, बहुत बहस कर ली। आए मुझे सिखाने प्यार के बारे में। तुम्हारा और सूरज का रिश्ता नहीं हो सकता। हो नहीं सकता या होने नहीं देंगे आप? मैं कौन होता हूँ नहीं होने देंगे? वो है ना तेरा भाई, मेरे घर में आने से पहले गला काट देंगे तेरा। क्या फर्क है आप में और मेरे भाई में? आप भी बहुत बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। आप दोनों एक जैसे हो, बिल्कुल एक जैसे। दुश्मन हो आप हमारे, हमारे प्यार के, जैसे जीने नहीं दे सकते आप। देखो आप दोनों एक जैसे हो। ए, रोना नहीं, मैं रोते हुए लोगों को नहीं देख सकता। रोना नहीं, रुलाना आता है लेकिन रोते हुए देखना नहीं आता। आप लोग बहुत बड़े हो ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन इतनी सी बात नहीं समझ सकते आप कि एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार कर सकता है। नहीं समझ में आता है ना? देखिए मैं रो रही हूँ। अरे देखिए रोना मत छुइए मुझे। हम सबके सब एक जैसे हो आप, कुछ फर्क नहीं है आप में और मेरे भाई में। मार डालिए मुझे यहीं पे, मैं जीना नहीं चाहती, जीना नहीं चाहती मैं। हे भगवान भैया। मैं सूरज के बगैर नहीं जी सकती भैया, मुझे यहाँ से मत ले जाइए प्लीज, प्लीज मुझे यहाँ से मत ले जाइए। मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जी सकती। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं ले जाऊंगा। सूरज, सूरज, ऐसे क्या देख रहे मुझे? अरे मैंने नहीं रुलाया इसे, मैंने नहीं रुलाया। पूछो ना, मैंने रुलाया क्या तेरे को? वो तो जानती है कि मैंने इतने साल शहर में कैसे गुजारे, इसे इतना बड़ा किया, एक आश निहा नहीं दिया इस पर, और आज ये कहता है कि मैं प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। अरे क्या चाहिए इसे, क्या चाहिए तेरे को बोलना? अरे चांद चाहिए तुझे तो चांद ले आऊंगा, शादी करनी है इससे तो कर लेना। मैंने कहा रोका इसे बुआ, मैंने कहा रोका भैया। अरे क्या भैया भैया कर रहा है तू, तू संभाल भाई इसे, तू संभाल भाईगा। अरे तू क्या संभालेगा, मुझे संभालना पड़ेगा इसे जिस तरह तुझे संभाला था। और तू मेरे को प्यार के बारे में लेक्चर मत देना, मैं बोलता है जय। भैया भैया क्या भैया भैया कर रहे हैं? हाँ कल मिलने को दिल करता भैया। कोई काम धंधा नहीं है?
चलने को दिल करता है। चल जा, मुझे अकेला छोड़। सुना नहीं जाना, क्या घुर क्या रहे? इधर इधर इधर। छोड़ के मत जाना मेरे को, छोड़ जाने की सोचना भी मत। नहीं भैया, नहीं भैया, हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ हाँ भाई, हाँ। अरे सूरज भैया, एक बात याद रखना, हमारे लिए जूते लाना नहीं भूलना। और मेरे लिए ऐसी पतलून। जरूर लाऊंगा। अरे इसे तो वापस देते जाओ। खास जरूर लिखना। हाँ जरूर लिखू। बुआ क्या हुआ? बुआ चलता मैं। जाओ ना, वो क्या देख रहे हो? नाराज क्यों हुई बुआ? शहर गया, इनकी शादी की बात की और यूं आया। आगे कुछ मत बोल, पहली बार गए थे और 18 साल तक मुंह नहीं दिखाया था। अब अरे बुआ, तू ही इसे वापस ला सकता है। बुआ मैं वादा करता हूँ, भैया को मैं अपने साथ लाऊंगा। हाँ। फिर हम यहीं रहेंगे। हाँ, हाँ बुआ। जाओ अभी, देर हो जाएगी। इनका क्या लग? हाँ। और अपना भी। हाँ मुझे अकेला और निहत्ता पाना चाहता था ना? देख, अकेला हूं, निहत्ता, कोई लोहे का सामान नहीं। बहुत नफरत है ना तेरे दिल में मेरे लिए, आज निकाल दे, निकाल दे अपने दिल की सारी भड़ास, निकाल दे। मेरी बहन कहां है? तू नहीं सुधरेगा रे, तू नहीं सुधरेगा। तेरे को क्या लगता है कि मैं उसे अपने घर पर रख कर आया मेरी जमानत के तौर पे? सपना, तू सच में इसका भाई है? देख इसको बराबर देख और अपने आप को देख, कितनी नफरत है तेरे दिल में और कितना कितना प्यार। इसने मुझे प्यार सिखाया, मुझे सीख। अब भी वक्त है कुछ सीख अपनी छोटी बहन से। जयसिंह, नसीहत देनी है तो मुझे नहीं अपने उस भाई को दे। भाभी, मेरी बहन, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ है, उसने इसे मुझे छीन लिया। हजारों मौतें मरा हूं मैं, खून के आंसू रोया हूं। समझता हूं। नहीं, तू कुछ नहीं समझ सकता, कुछ नहीं समझ सकता। तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, सब सब मिट्टी में मिल गया। शादी करा दे इनकी, शादी करा दे इनकी, सब ठीक हो जाएगा। सारी इज्जत वापस आ जाएगी, तू अपना सर उठाकर चल सकेगा। हम तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, सही या गलत, अब इनको जीने दे यार, जैसे ये चाहे इनको जीने दे। अगर हमारी दुश्मनी इनके रिश्ते के बीच में आती है तो मुझे मार दे यार, मेरी जान ले ले, लगता है मेरे खून से ये दुश्मनी खत्म होगी। मगर हां कह दे, हां कह दे, thank you.
इज्जत का सवाल है। और कोई चारा है मेरे पास सिवाय हां कहने के? सच कह रहे भैया? जान से प्यारी है तू मुझे, मुझे शादी मंजूर है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अब देखना, अब देखना इसकी डोली कैसे छाती ठोक कर ले जाते हैं हम लोग। अब जिएंगे मेरे दोस्त, अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। तू तो जीना भूल गया होगा रे, आना मेरे पास, आना मेरे पास, मैं सिखाऊंगा तुझे जीना, मैं सिखाऊंगा तुझे जीना। अब तो हंस साले, अब तो हंस, हंस साले। या पहली और आखिरी बार आ, आ, मैं तो जैसा बन सकता हूँ तुम तो जैसा नहीं बन सकता है क्या रे आप? चल पीना ही पड़ेगा आज, कुछ नहीं आज, कुछ नहीं बस, कम ऑन, कम ऑन, शाबाश। आपकी इज्जत करता हूँ, आपके सामने पी नहीं सकता। तो लड़की को लेकर गांव भाग सकता है, भाई के सामने पी नहीं सकता। चल पी, शर्मा मत, शर्माने का नाटक मत कर। भाई खुश, अपन भी खुश, कोई काम धंधा नहीं है क्या? अपन को भी नशा चढ़ गया भाई, ये तो प्यार का नशा है। ये भाई प्यार का ठेका ले रखा क्या तूने? संभाल मेरे भाई, संभाल। तो हंस रहा है या रो रहा है यार? पता नहीं। ये सूरज मजा आया ना आज? बहुत मजा आया। अरे चलो यार, तुम लोग भी जाओ, मजा दो, चलो तुम लोग जाओ भी जाओ, जाओ जाओ जाओ। क्या बोलते हैं भाई वो? अरे यार कोई काम धंधा नहीं किया, जाओ ना यार। हाँ भाई, वो अब भी खतरा है भाई। भाई अब खतरा? अरे काहे का खतरा, सब खत्म हो गए दुश्मन, बस प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार। चलो जाओ, चलो जाओ, प्यार करो, खुश रहो, कोई काम धंधा नहीं क्या? लो मजे लो जाकर। सुन रहे, अब तो तेरी शादी एकदम धूमधाम से करने का, क्या सूरज? हाँ नहीं भैया, पहले भाभी लाओ। ना ना, मेरी शादी नहीं, तेरी शादी पहले। वो क्या भैया, भाभी आएगी तो फिर बात बनेगी। नहीं नहीं सूरज, तेरी शादी करूंगा, चलो शादी की बात छोड़ना यार। सुन, तो याद है तेरे को हम लोग बचपन में गेम खेला करते थे आंख बंद करके? हाँ भैया, बात बदल रहा है। बात नहीं पलट रहा है भैया, बात बदल रहा है, पकड़ रहा है साले। इधर 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 भैया, ए चीटिंग है, ए चीटिंग नहीं करने का, चीटिंग नहीं, बस चीटिंग नहीं करने का भैया, पकड़ लिया जान। भैया भैया कुछ चुप रहा भैया, क्या है ये? हमेशा हमारे बीच रहा है ना? हाँ भैया, अब नहीं रहेगा। कोई बीच में नहीं आएगा हमारे चैनल। भैया अभी भाभी आएगी अपने बीच। डॉक्टर, डॉक्टर,
रोके मेरे भाई को बचा लो, बहुत गोलियां लगी है, मर जाएगा, प्लीज बचा लीजिए। हाँ बाहर निकालो इसे, ये डॉक्टर प्लीज, मैं हाथ छोड़ दूँ डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर मेरी बात सुनिए डॉक्टर, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। चल ऑपरेशन कामयाब रहा है, he will be okay, okay, best of luck. सूरज, सूरज देखना इसे, तुझे क्या हुआ सूरज? सूरज तू कहां जा रहा है? सूरज हम लोग भाई के साथ रहते हैं। तो भाई के पास जाओ, मैं सूरज साथ जाता हूं। सूरज हाँ तो मैं इस तरह से मेरे भाई पर वार किया तूने? मेरे भाई पर? बोल तू क्या समझता है? मेरे भाई पर वार कर बच जाएगा तू, बच जाएगा तू, बच जाएगा तू। कमीने, मेरे भाई पर वार किया तू क्या समझता, तू बच जाएगा? सूरज, नहीं सूरज, ये क्या कर रहा तुम? सपना चली जाओ, हमारे बीच में मत आओ। हमारी तो शादी होने वाली है सूरज। हमारी शादी नहीं होगी सपना, उतार दो ये शादी का जोड़ा, हमारी शादी नहीं होगी, नहीं मिलने देगी ये दुनिया में, भूल जाओ ये सारे ख्वाब, भूल जाओ। सूरज वहां मेरा भाई अस्पताल में अभी जान के लिए लड़ रहा है, अभी मौत से लड़ रहा है, सब इसकी वजह से सपना, इसकी वजह से, इसकी वजह से। मैंने कुछ नहीं किया। सूरज भैया तो हमारी शादी के लिए मान गए थे। सूरज धोखेबाज है ये, धोखेबाज। मैं तो तुम दोनों की शादी धूमधाम से कर रहा था। सूरज झूठ, झूठ, सब झूठ। अगर तुमने मेरे भाई को कुछ किया तो समझ लो हमारा प्यार मर गया। क्या कहा? प्यार मर गया? तुम्हारे भाई पर बात आई तो प्यार मर गया? वो अस्पताल में पड़ा जो हर सांस के लिए लड़ रहा है, क्या लगता है वो तुम्हारा? हाँ क्या लगता है वो तुम्हारा? क्या रिश्ता है? हाँ वो मेरा भाई है, वो भाई मेरा भाई है वो। ठीक कहता था वो, प्यार व्यार कुछ भी नहीं, सब बकवास है तो सिर्फ दुश्मनी। सूरज भूल गया था मैं कि तुम दुश्मन की बहन हो, दुश्मन की। अब रॉय, तेरी बहन की वजह से मैं तुझे जिंदा छोड़ के जा रहा हूं। मेरा भाई यहां आया था ये दुश्मनी खत्म करने, लेकिन मैं ये कहता हूं ये दुश्मनी अब शुरू होगी। अब न
जाए। तुम यहीं रुको। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ। बिल्कुल। कौन है भाई? जल्दी से भागो। कौन? अरे तो सूरज है। सूरज जल्दी चलो। सूरज को रोको। आप फिक्र मत करें भाई, सूरज सब कुछ संभाल रहा है। सारा शहर कह रहा है कि सूरज बिल्कुल अपने भाई जैसा है। वो सूरज उसे रोको भाई। वो मेरे जैसा नहीं है। सूरज सूरज को भाई, सूरज को रोको भाई। रोको। मेरा प्यार भी भाभी, क्या एक आखिरी बार वो मुझसे मिलने नहीं आएगा? नहीं, वो आएगा, वो जरूर आएगा। नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करता। दुनिया में कोई भी प्यार सच्चा नहीं होता। ऐसे मत कह। मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए बेपनाह प्यार देखा है। तू प्यार से अपना विश्वास मत उठने दे। नफरत की आग फैली हुई है चारों तरफ। ऐसे में सिर्फ प्यार ही मांझी बनके हमें किनारे लगा सकता है, वरना वरना सब भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा सब। तुम सब किसी फौज से नहीं, एक अकेले लड़के से लड़ रहे हो। एक अकेले लड़के से तुम सब मिलकर उसको रोक नहीं सकते क्या? उसे कोई नहीं रोक सकता। बास्टर्ड्स, क्या हो गया तुम सबको? रोको उसे, रोको। उसे कोई नहीं रोक सकता। शट अप। क्या? उसे कोई नहीं रोक सकता। अब क्या बकवास कर रही हो? बोलो, क्या बकवास कर रही हो? जो सूरज के करीब जाएगा वो जल जाएगा। कौन जल जाएगा? कोई भी जो सूरज के करीब जाएगा। एक आदमी जिसे आपने धोखा दिया, उसका प्यार छीना, उसे नाकाम प्यार की आग में जलने के लिए छोड़ दिया, अब अपनी ही आग में जलेगा वो। मैं उसका सब कुछ खत्म कर दूंगा। ओबेरॉय ने सपना को मार दिया। हाँ सूरज, मैं सच कह रहा हूँ सूरज, ओबेरॉय ने सपना को मार दिया। हाँ सूरज, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, सपना, सपना।
किशन क्या हुआ किशन? सपना को मार दिया भाई, सपना को मार दिया। ओबराय ने अपनी बहन को मार दिया भाई। सूरज, सूरज कहाँ है? भाग गया भाई, बहुत रोका। कहाँ भागा? ओबराय के पास गया। भाई जा, सूरज को ले क्या? किसने बताया? किसने बताया सूरज क्यों? माधव खबर लाया भाई। माधव, माधव, माधव इधर आ, इधर आ माधव। तेरे को किसने मालूम है? हाँ, तेरे को किसने बताया? मैं वहाँ। क्या? तुझे किसने बताया? मैं वहाँ। बोल, क्या? मुझे। तुझे किसने बताया? हाँ? बोल। कैसे मालूम पड़ा? मुझे। अपना आदमी। ला, इधर ला। जा सूरज को ले क्या? अपना आदमी हो क्या तूने ऐसा किया? मेरे भाई को क्यों फंसाया? कितने में बेचा है तूने अपने आप को? क्यों बेचा मेरे भाई को? क्यों? भैया ने क्या? तेरे भैया ने उसे कहलवा दिया कि उन्होंने तुझे मार दिया है। भैया ने मुझे मारा? लेकिन क्यों? क्या गुड़िया? क्यों? क्योंकि वो आएगा पागलों की तरह, दे परवाह, और फिर तेरे भैया उसे सूरज!
नहीं भैया, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। निकाल यहां से। नहीं भैया, ये दुश्मनी तेरी नहीं है। अब तो ये मेरी दुश्मनी है भैया, मेरी दुश्मनी। क्या बोला तू? क्या बोला? और तेरा प्यार? अब ये दुश्मनी रहेगी या मेरा प्यार? कितना बदल गया रे तू भैया। जा पीछे वरना आज तुझे भी जान से मार दूंगा। तो मारो, मारो मुझे। वैसे भी तुमने मुझे जिंदा लाश बना के रखा है, जबरदस्ती। तुम क्या मारोगे मुझे? तुम क्या मारोगे? तुमने तो धोखे से लोगों की पीठ पे गोलियां चलवाई है, किसी के सीने पे वार नहीं किया। तुम सिर्फ एक बुजदिल और कमजोर इंसान हो। खून से नहीं, मेरे खून से खत्म हुई। तू जीत गया और मैं हार गया। अपने दोस्त का प्यार छीनकर उससे दुश्मनी की, और जिससे मैं प्यार करता था उस पर गोली चल गई। सब गलत है। I'm sorry. एक मरता हुआ आदमी तुझसे माफी की भीख मांगता है। चैन से जी तो ना सका, पर चैन से मरना चाहता हूं। मैं जा रहा हूं, पर जाने से पहले एक बार मुझे अपने गले लगा ले। साले, कोई काम धंधा नहीं साले? दोस्त, Oh!
भाई, भाई सब काम धंधा खत्म भाई। नहीं भैया, ये उबरा सलाह सुधरा नहीं भाई, दुश्मनी खत्म हो गई, सिर्फ तेरा प्यार बच गया रे। गांव जाना बुआ, बुआ नाराज क्यों हो रही हो बुआ? कहा था ना गांव वापस आऊंगा, देखो आ गया, अब चलता हूं।